सो हे गाइस एंड गर्ल्स, पोकोसोल के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारी भी ड्रैगन टीम है और तुम्हारे पास आउटपुट पोकेमोन के नाम पे जो डैमेज डीलर है उनके नाम पे सिर्फ दो पोकेमोन है, एक तो गार्चॉम्प और अपना ड्रैगनाइट, जो कि दोनों भी फ्रैंकली बताओ तो इतने कुछ अच्छे हैं नहीं। और है ना, रही बात म्यूटू की, तो म्यूटू स्पिन से मिलता नहीं है। अगर तुम भी है ना इसी बात से सफ़र कर रहे हो, तुम भी मेरी तरह ही है ना भाई इस बात से परेशान हो, तो भाई यार इस वाले वीडियो को है ना अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि है ना मैं तुमको ना एक अल्टरनेटिव बताने वाला हूँ, मतलब एक जुगाड़ बताने वाला हूँ, जिससे है ना तुम म्यूटू तो नहीं ले सकते लेकिन म्यूटू की एक रिप्लेसमेंट ले सकते हो जिसको तुम यूज़ कर सकते हो, और उस रिप्लेसमेंट का नाम है जिराची। तो ना इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ना इस वाले वीडियो में ना मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ और मैं शायद अपनी ट्रेनर लेवल भी अच्छे खासे लेवल में इंक्रीज करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और क्या म्यूटू बेटर है या फिर जिराची बेटर है, या फिर जिराची को हम परमानेंटली यूज़ कर सकते या नहीं, मैं ना भाई बहुत सारी चीज़ें ना इस वाले वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना यार। और वीडियो पर लाइक नहीं करते यार तुम लोग, वीडियो पर लाइक कर दिया करो, मैं इतनी बढ़िया वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, एक बढ़िया बढ़िया एकदम ऐसे जल्दी जाओ वीडियो पर लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि सब्सक्राइबर्स मैटर करता है, तो जाओ एटेड के चैनल के सब्सक्राइब करो जाओ, और नीचे जाके एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो रही बात जिराची की, और रही बात म्यूटू की, एक्चुअली मैं म्यूटू तो भाई मिला नहीं मुझे, मैंने इतने सारे स्पिन किए भाई, बहुत बहुत दुख हुआ। पिछला वाला वीडियो देखा होगा तुमने तो तुमको पता होगा कि मेरा स्पिन वाला लग कैसा चल रहा है। तो रही बात जिराची की, तो जिराची अनलॉक होता है सीज़न 3 में। अभी है ना मेरे इस अकाउंट का सीज़न 2 चल रहा है, सीज़न 3 में अनलॉक होता है जिराची। एक्चुअली में सीन क्या होता है, ये जो दो जिम दिख रही है क्या, जो तीसरी जिम है ना, तीसरी जिम जब अनलॉक होती है ना वहाँ से तुमको जिराची के शार्ड मिलेंगे, क्योंकि पहले जिम से मेरे हिसाब से जेक्रोम मिलता है, दूसरे जिम से मेगा गेंगार, और तीसरे जिम से जिराची मिलता है। मतलब भाई यार मतलब लाइक वो सारे के सारे फैक्टर्स कवर कर रहे हैं, क्योंकि एक जिम से फायर टीम के लिए, एक जिम से इलेक्ट्रिक टीम के लिए, एक जिम से इसके लिए, और एक जिम से मतलब लाइक एक जिम से ड्रैगन के लिए, और एक जिम से अपने ये क्या होता है भाई इलेक्ट्रिक हो गया, हाँ पॉइजन के लिए। बस ये नहीं है, अगर और एक जिम ऐड हो जाए और उसमें कोई ऐसा पोकेमोन आ जाए वाटर टीम वाला, जो कि सिर्फ और सिर्फ जिम से मिल सकता है, तो यार मतलब लाइक सारी की सारी टीम्स कवर हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कोई पोकेमोन है नहीं। लेकिन अभी वाटर टीम के ऊपर वीडियो नहीं हो रही, अभी तो जिराची के ऊपर वीडियो हो रही है। तो रिसेंटली क्या हुआ था कि मैंने मेरा अगर पिछला वीडियो देखा होगा तुमने तो तुमको पता होगा कि है ना इन लोगों ने ना एक गलती कर दी थी मेंटेनेंस के नाम पे, पता नहीं मतलब क्या करते रहते हैं, मुझे नहीं पता भाई मेंटेनेंस करते हैं या फिर है ना वो अपने जो लाइक मेंटेनेंस रूम में पत्ते खेलते रहते हैं भाई, मुझे तो लगता है वो है ना लोग ऐसे बैठते होंगे, उनका भाई ओनर उसके जो स्टाफ वगैरह है ना वो कहते होंगे चलो गेम थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं, अभी गेम बंद करते हैं और है ना गेम खेलते हैं, हम दूसरी गेम खेलते हैं, और भाई इनको इनको रहने दो, और मेंटेनेंस के नाम पे करते क्या है पता नहीं क्या करते। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि मेंटेनेंस के बाद है ना कुछ चेंज हुआ है, मतलब छोटे मोटे चेंजेस ले लो ना तो उसके अलावा कुछ चेंज नहीं करते ये लोग, कुछ भी नहीं भाई। मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हूं ना क्या बताऊं यार, मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूं लेकिन यार शायद उसके लिए कोई और वीडियो बनाएंगे, लेकिन मैं तो डेफिनेटली श्योर हूँ भाई कुछ नहीं करते, बस टाइम पास करते हैं ये लोग। लेकिन उसी मेंटेनेंस के है ना वजह से है ना उन्होंने रिवॉर्ड नहीं दिया था, इसलिए कंपनसेशन के तौर पे है ना उन लोगों ने ना 10-10 शार्ट दिए थे, उसमें से 10 शार्ट जिराची की भी थे, और मैंने ना जिराची के शार्ट मतलब लाइक थोड़े से बाय किए, थोड़े से दोस्तों से लिए, मेगा गेंगार के शार्ट भी मैंने थोड़े से बाय किए, थोड़े दोस्तों से लिए, मतलब लाइक मोस्टली मैंने मेगा गेंगार के शार्ट बाय ही किए, क्योंकि है ना एक ट्रेनर लेवल मिलती है इन दोनों से, तो चलो भाई दोनों को कंबाइन कर लेते हैं और है ना इनसे ट्रेनर लेवल लेते हैं पहले, तो उसके बाद भाई जिराची के बारे में हम बात करेंगे। ओके, और इनको भी मैं कंबाइन कर देता हूँ, क्योंकि मैंने इनको स्पेशली इसलिए रखा है क्योंकि मैं जिराची को शायद मोस्ट प्रोबेबली टीम में रखने वाला हूँ, अभी तो लाइक अभी के अभी तो नहीं लेकिन रखने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास म्यूटू है नहीं, तो लाइक जिराची से अच्छी रिप्लेसमेंट आई डोंट थिंक सो कोई है। मतलब बहुत सारे पोकेमोन एग्जिस्ट करते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ ड्रैगन टीम के बारे में कहूँ मैं तो यार लाइक जिराची से अच्छी तो आई डोंट थिंक सो कोई है। और है ना मैं तुमको और एक बात बता देता हूँ, डेक्स में देखो यार ड्रैगन टीम है ना यहाँ से जिराची हटा दिया है, क्योंकि जिराची अभी तक इंट्रोड्यूस ही नहीं ना हुआ, जिराची सीज़न 3 में आता है। मैं इतना डर गया था क्योंकि है ना मतलब मैंने सोचा था कि इसके थोड़े से स्टैट वगैरह पढ़ लेता हूँ जिससे है ना वीडियो बनाने में आसानी होगी, मुझे लगा इन लोगों ने ना फिर से बकवास कर दी और इन लोगों ने ना ड्रैगन टीम से जिराची ही हटा दिया। फिर मुझे याद आया अरे यार ये तो सीज़न 2 चल रहा है ना, शायद जब सीज़न 3 आएगा तब है ना ये लोग यहाँ ऐड कर देंगे, लेकिन अगर इधर ऐड नहीं किया तो यार मतलब बहुत भाई बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। चलो वो तो लाइक वो तो भाई बाद वाली बात है, वो सारी बात है, अभी के लिए तो इनको स्टार्ट कर देता हूँ मैं। अबे क्या हुआ, अच्छा मुझे याद आया भाई वो स्टार अप करने के बाद ऐसे होते हैं ना, मैं भूल गया था। ओके
और ये अपना जिराची, दोनों मिल गए अपने को। मैं भूल गया था यार, मैंने SSR कर लिया ना, मुझे लगा वो डायरेक्ट इन्वेंट्री में आ चुके होंगे पोकबॉल में, लेकिन मैं भूल गया था जेन्युइनली बताऊँ तो। ओके पॉइजन टीम वाला, क्योंकि अभी सिर्फ एक ही पोकबॉल मिल सकता है, क्योंकि मैं जैसे कि कहा अभी तक है ना जिराची इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ, और शायद गेम में पहली बार ऐसा होगा कि भाई मतलब पहले मिल चुका है कोई पोकमॉन, तो इनको स्टार्ट कर लेते हैं, इनसे ट्रेनर लेवल ले लेते हैं। ओके परफेक्टो, इसको भी कर लेते हैं मैं स्टार अप, क्योंकि ट्रेनर लेवल चाहिए, और अगर 30 ट्रेनर लेवल हो गई तो अपना है ना पहला आइलैंड अनलॉक हो जाएगा, जहाँ से ना ये मिल सकता है डियान का मिल सकता है। ओके 28 हो चुकी है, और ये 29, और मुझे 30 करनी है। 30 के लिए मैंने ना पिकाचू पकड़े थे, उसके लिए मैंने अपने बहुत सारे मास्टर बॉल यूज़ कर लिए। मास्टर बॉल भाई बहुत रेयर होते हैं, लेकिन मैंने यूज़ कर लिए अच्छे खासे अमाउंट में, मतलब कर लिए यार, लाइक उसको रख के भी क्या करूँगा मैं। अच्छा ठीक है, कर लेता हूँ चेंज। वैसे भी मैं पता नहीं इसको टीम में रखूँगा या नहीं, लेकिन अच्छा है यार, लाइक ये भाई फ्री में 130 मिल रहा है तुमको, दिक्कत वाली बात है नहीं, एक ट्रेनर लेवल भी मिल रहा है, ऊपर से बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके अपनी फाइनली 30 हो चुकी है, ओके भाई 30 हो चुके, अच्छा लग रहा है। ओके ओके स्टैट भी अनलॉक हो चुके हैं बहुत सारे, तो चलो जिराची के बारे में देखते हैं, उसको थोड़ा सा स्टार अप करने का ट्राई करते हैं। SP, और मुझे जितना याद है ना इसके जो सारे के सारे स्टैट है वो ऐसे है, मतलब लाइक जो भी है ना सेम स्टैट है इसके, मतलब अभी फॉर एग्जांपल अभी मुझे बस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि अभी जिराची तो अवेलेबल है नहीं, तो जैसे कि मैं ड्रैगन टीम म्यूटू से ले लेता हूँ। ये देखो जैसे कि इसका HP एस है और अटैक एस है, इसका मतलब एस मतलब बढ़िया, SS मतलब और भी बढ़िया, और SSS मतलब भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया, मतलब उसका सबसे मेन वो है। तो जो जिराची है ना उसके जो सारे के सारे है वो H है, और शायद 110 या फिर 110 या फिर 120 मुझे याद नहीं आ रहा, शायद 110 समथिंग है ना सारे के सारे स्टैट है इसका, मतलब वो लाइक ऐसे मिड रेंज पोकेमोन है, उसको तुम ऐसे लाइक किसी एक स्पेसिफिक चीज़ में वो बढ़िया नहीं है। जैसे कि मान लो कि अभी इसका स्पेशल अटैक बढ़िया है, इसका स्पेशल अटैक 154 है, तो उसका स्पेशल अटैक कुछ 110 या फिर 120 होगा, जिसका मतलब ये भाई ना तो डिफेंस में बहुत ज़्यादा स्पेशल है, ना तो अटैक में है, ना तो किसी और चीज़ में, सब में ये पोकेमोन बैलेंस्ड है। मैं जिराची की बात कर रहा, म्यूटू की नहीं, म्यूटू तो अभी लाइक मैं तुमको बस एक कंपैरिजन के लिए बता रहा, क्योंकि अवेलेबल है नहीं ना जिराची के जो स्टैट है ना वो अवेलेबल है नहीं। और जैसे कि अपना म्यूटू साइकिक टाइप है, ये मेरे हिसाब से साइकिक और स्टील टाइप है, मुझे अभी यार लाइक अभी देखने दो यार, मैं इसके बारे में भूल गया, सच बताऊँ तो मैंने कभी जिराची को यूज़ नहीं किया, मैंने कभी साइकिक और स्टील टाइप है, हाँ साइकिक और स्टील टाइप है, मैंने जिराची को कभी यूज़ नहीं किया था अपनी पूरी लाइफ में, कभी यूज़ नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा उसकी ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, क्यों भाई यार क्या ही करूँगा उसको यूज़ करके, क्योंकि जो मेरा पिछला वाला अकाउंट था उसको मैंने ना मतलब लाइक स्टार्टिंग में ही जब मैंने पहले 10 पिन किए थे ना अपने अकाउंट के, पहले 10 उसी में मुझे है ना म्यूटू मिल गया था, इसलिए मुझे कभी ज़रूरत पड़ी ही नहीं जिराची की, तो इसलिए मैंने कभी उस पर ध्यान दिया ही नहीं। लेकिन यार अभी आ चुका है वो अपने पास, और अभी मेरे पास दूसरी कोई चॉइस है नहीं, तो यार मैं सोच रहा कि इसको ज़रा कर लेता है। ओके इसको थोड़ा अपग्रेड कर लेता हूँ मैं, मैंने हो इसलिए मतलब लाइक शार्ट से बना के रखे थे, मतलब मुझे पता था कि मैं इसको अपग्रेड करने वाला हूँ, इसलिए मैंने बस स्पेशली इसके लिए बना के रखे थे। अब यार भाई XP बॉटल्स भी नहीं है मेरे पास, भाई पैसे भी नहीं है, मैं क्या दे सकता हूँ, और कौन से पोकेमॉन दे सकता हूँ मैं इसको, एटलीस्ट 7 स्टार तो करना चाहता हूँ। ओके इसको दे सकता हूँ, लेकिन यार मार्शाडो शायद मैं यूज़ करूँगा, काम करता हूँ टापू लेले को दे देता हूँ, क्योंकि टापू लेले वैसे भी मिल जाएगा मुझे, और टापू लेले के नेचर मैटर करते हैं, वो नेचर तो उतने भी कुछ खास है नहीं वैसे भी। एक काम कर देता हूँ, ये शार्ड भाई शार्ड भेज देता हूँ, इससे थोड़ी बहुत अमाउंट में मिल गया पैसे, और यहाँ से XP बॉटल्स भी भेज देता हूँ। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैं फिर बताऊंगा कि कंक्लूजन बताऊंगा कि तुमको यूज़ करना चाहिए या नहीं, और किस सिचुएशन में तुम इसको यूज़ कर सकते हो, मतलब अपने जिराची को। ओके 1 लाख हो गई है, मेरे हिसाब से इतनी तो इनफ होनी चाहिए। कहाँ गया ये जिराची, अरे जिराची चाहिए अपने को। ओके इतना इनफ है, एक काम कर लेता हूँ टापू लेले को दे देता हूँ, वैसे यार लाइक टापू ले ले मैं रखने वाला था उसको 7 स्टार करने के, लेकिन ठीक है यार अभी इसको 7 स्टार हो गया है, एक काम कर लेता हूँ देखता हूँ मैं कितना हो सकता है। ओके 52 लेवल हो गया है, ठीक है
और इसके नेचर के बारे में बात कर लेते हैं, एक बार देख लेता हूँ मैं, क्योंकि यार मैं जेन्युइनली कह रहा, मैंने कभी यूज़ नहीं किया इसको, मैंने कभी यूज़ नहीं किया अभी, लाइक मुझे देखना पड़ेगा। ओके, ग्रुप अटैक है, 325 स्पेशल अटैक डैमेज, डैमेज अटैकिंग अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ लेयर्स। अच्छा, ड्रैगन लेयर चाहिए ऑब्वियसली, जैसे कि मैंने कहा था। ओके, क्रिट डैमेज, ओके ये क्रिट दे सकता है। ओके, तो क्रिट रेट इसका इंक्रीज करना पड़ेगा, अगर है ना इसके हिल आइटम में क्रिट रेट इंक्रीज होगा तो ये भाई क्रिट से है ना और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा डैमेज दे पाएगा। तो इसके हिल आइटम बनाते टाइम है ना तुमको है ना क्रिट रेट का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब लाइक हिल आइटम बहुत सारी चीज़ें फैक्टर मैटर करता है। सिंगल अटैक, ओके लॉक ऑन टारगेट, ओके 70%, ठीक है यार, लाइक नॉट बैड। क्रिटिकल, ओके क्रिटिकल अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ड्रैगन लेयर्स, ओके ड्रैगन लेयर बहुत मैटर करती है इसके लिए। और मुझे एक बार इसके ये देखने दो, क्रिट रेट इंक्रीज हो जाता है, जिसका मतलब जैसे कि मैंने कहा था कि यार तुमको है ना क्रिट डैमेज और क्रिट रेट है ना, क्रिट डैमेज है ना तुमको थोड़ा सा अच्छा रखना पड़ेगा। अगर तुम्हारे हिल आइटम में क्रिट डैमेज होगा तो है ना तुम्हारा जिराची बहुत ज़्यादा अमाउंट में डैमेज देगा। ओवर हिट डैमेज रिडक्शन कॉल पे, ओके ये सेल्फ अटैक है क्या? ठीक है ये देखो, मैं ऐसा तो नहीं कहने वाला कि है ना ये म्यूटू से बेटर है, लेकिन ये पोकमोन एटलीस्ट है ना तुम ये ड्रैगनाइट या फिर गार्चॉम्प इनसे तो बेटर है। मैं ऐसा नहीं कहने वाला कि गार्चॉम्प को रिबर्थ कर दो, उसकी जगह पूरा का पूरा जिराची को लगा लो, लेकिन तुम इसको रिबर्थ करके ना अगर तुम 12 स्टार कर पाए, मैं तो अभी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने सारे के सारे स्टार्टअप में लगा दिए, लेकिन अगर तुम जिराची को 12 स्टार कर पाए तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि तुम्हारा जो स्ट्रांगेस्ट पोकमोन है, मतलब ऐसा नहीं जो लाइक अगर एक्सेप्शन, अगर मान लो तुम्हारा स्ट्रांगेस्ट पोकमोन कोई और है, मतलब लाइक गार्चॉम्प है या फिर कोई और है, तो तुम उसको रिवर्स कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा स्ट्रांगेस्ट पोकमोन ग्राउडॉन है या फिर सुइकुन है या फिर ऐसे कोई बढ़िया पोकमोन है तो उनको मत रिवर्स करना, उसकी जगह है ना जिसको तुम निकालने वाले हो टीम से उसको रिवर्स कर देना। जैसे कि मैं ड्रैगनाइट को निकालने वाला हूँ और उसकी जगह जिराच को लगाने वाला हूँ, तो मैं ड्रैगनाइट को रिवर्स कर दूंगा, उसके लाइक हील आइटम ढंग से देखूंगा और फिर उसके बाद है ना जिराच को ऐड करूंगा। लेकिन सबसे पहली गलती मत करना कि ना पहले ही रिवर्स कर दी उसके बाद भाई डायरेक्टली घुसा दिया टीम में, पहले इसको अच्छे से स्टार्टअप करो, उसकी लेवल वगैरह बढ़ाओ, उसके ना भाई यार नेचर वगैरह, मतलब लाइक नेचर वगैरह लगाओ, बाद में जाके है ना तुम है ना इसको लगा सकते हो, क्योंकि एटलीस्ट है ना अगर एटलीस्ट ये 9 स्टार चाहिए, जब तक ये ना एटलीस्ट 9 या फिर नहीं 10 स्टार, अगर ये 10 स्टार होगा ना तब जाके मैं कहीं सोच सकता हूँ इसको टीम में डालने का, क्योंकि एटलीस्ट 10 स्टार तो चाहिए, 11 12 की बात वाली बात है, लेकिन एटलीस्ट अगर है ना तुमको है ना कोई 12 स्टार वाला पोकमोन अगर टीम से निकालना है तो उसकी रिप्लेसमेंट में एटलीस्ट 9 या फिर 10 स्टार का पोकमोन डालो, एटलीस्ट 10 स्टार। और जिराची अभी के लिए तो मैंने बस बताया है, अगर मैं इसको बिल्ड करूंगा ना तो उसके ऊपर एक स्पेशल बिल्ड वाली वीडियो लाऊंगा, अगर तुमको चाहिए तो है ना कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो कैसी लगी ये भी बताना, और वीडियो तुमने लास्ट तक देखी या नहीं वो भी बताना, क्योंकि है ना ये भैया स्पेशल वीडियो थी। अभी है ना इसका बिल्ड वगैरह बहुत सारी चीज़ें करूंगा मैं, इसका जब बिल्ड बनाऊंगा मैं इसको अच्छे से बनाऊंगा तब मैं ना इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा कि है ना इसके भाई कौन से नेचर रखने चाहिए, क्या क्या फैक्टर्स मैटर करते हैं, क्योंकि मैंने भी अभी यूज़ नहीं ना किया, मुझे ऑफलाइन थोड़ी बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी। तो यार लाइक वही था मैं सोच रहा, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।